तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं करें इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया कि भाई आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी M7 को अगर आप फोन को रिसेट करते हो तो आपको ये सेटिंग आप लोगों को ऑन करके रखना चाहिए। एंड ये जो सेटिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सेटिंग अगर आप लोग अपने फ़ोन में कर लेते हो, आपके सैमसंग के डिवाइस पे या किसी भी अनदर डिवाइस पे कर लेते हो, तो आपका अकाउंट को कुछ नहीं होगा, ना डिलीट होगा, ना कुछ होगा, ना रिमूव होगा आपके फ़ोन से। तो कहीं चलो ये सेटिंग आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग को आप लोगों को ऑन करना होगा एंड आपको सेटिंग करना होगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो मैं शुरुआत करता हूँ सेटिंग से। तो गाइस आप लोगों को सेटिंग में सेटिंग करना होगा। तो नीचे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर सिस्टम का सेटिंग। गाइस आप लोग जानते हैं सिस्टम सेटिंग एंड डेवलपर ऑप्शन के बिना आपके फ़ोन में कुछ नहीं है। तो डेवलपर ऑप्शन किसी कोई एनेबल करने नहीं जानता। तो यहाँ पर अबाउट फोन में आने के बाद यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर को 7 times क्लिक करना होगा, 7 times आपको क्लिक करते रहना होगा, उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके फ़ोन को रीसेट करने से पहले आपको एक सेटिंग ऑन करके रखना पड़ता है, OEM, ठीक है, अनलॉकिंग, ठीक है, इसको आप लोगों को अनेबल करना होगा। एंड ये अलाउ OEM अनलॉकिंग, ठीक है, इसको अनेबल करना होगा। अनेबल करने से आपको क्या होगा, अगर ये आपके फ़ोन में अनेबल नहीं होता है तो इस पर आपको कम से कम 4 times टैप करना होगा, इस तरीके से टैप करना होगा। तो इस तरीके से टैप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, अगर किसी के फ़ोन में नहीं होता है तो। अनेबल रीसेट करने से पहले गाइस आपको इसको अनेबल करना होगा। एंड अनेबल करने के साथ साथ आप लोगों को और एक सेटिंग करना होगा, जो सैमसंग के डिवाइस पे अगर अकाउंट रिमूव हो जाएगा एंड आपका अकाउंट नहीं कुछ नहीं होगा आपके फ़ोन से, तो इधर देख सकते हैं गाइस आपको गूगल का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। तो अकाउंट्स पहले ऑप्शन पे जाके आप लोग यहाँ पर अकाउंट्स पे जाके चेक कर सकते हैं आपको कौन सा अकाउंट्स है। तो यहाँ पर से आपको गूगल वाले मतलब सेक्शन में जाना होगा। जाने के बाद गाइस आपका जो जीमेल है, ठीक है, तो यहाँ पर से मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, तो मैं सीधा चले जाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब में चला जाता हूँ एंड आपको मेरा जीमेल दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर से थोड़ा लोडिंग लेगा, आपका यूट्यूब जैसे ओपन होता है वैसे ओपन होगा। तो गाइस मेरा नेट अभी स्लो चल रहा है थोड़ा सा। तो इधर से गाइस जैसे मैं यहाँ पर आ गया यूट्यूब पर आने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा DP डला हुआ होगा। एंड आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए हो इंस्टाग्राम पर जाके देख लेना मैं कैसा दिखता हूँ। तो इधर गाइस मैं प्रोफाइल वाले पे क्लिक करता हूँ 3 dots पे, यहाँ पर मेरा जीमेल शो हो जाता है, यहाँ पर 0 subscribers है। ये आपको जीमेल आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके जीमेल का पासवर्ड आपको पता करके रखना होगा। एंड इसको ना गाइस आपको कहीं पर नोट करके रखना होगा। नोट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हो तो शुरू में अगर जैसे आप लोग ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपका जीमेल मंगा जाता है, तो आप उस जीमेल को प्ले स्टोर पर जाके डाल लेना। उसके बाद गाइस क्या होता है कि आपका जीमेल ना डिलीट होगा ना रिमूव होगा, 100% वर्किंग ट्रिक है गाइस, मैं खुद ही उसको यूज़ करता हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरीके से मिलते होगा नेक्स्ट वीडियो में।